क्या कहा? आरती। दोस्तों, सारा अली खान बॉलीवुड की नई सनसनी है। इतने कम समय में सारा अली खान ने अपने फैंस की लंबी कतार बना ली है। उनके फोटो आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहते हैं। आज हम इसी ब्यूटी सारा अली खान की कहानी लेकर आए हैं। सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी है सारा अली खान। यह तो आप जानते ही होंगे कि सारा अली खान की पहली फिल्म रही है केदारनाथ। इस फिल्म में सारा की एंट्री काफी दमदार रही है। इस फिल्म में सारा अली खान बेपनाह खूबसूरत दिखी है। सारा अली खान का जन्म 12 अगस्त 1995 को मुंबई में हुआ है। सारा के पिता सैफ अली खान बॉलीवुड के बड़े स्टार हैं। इनकी माँ अमृता सिंह अपने जमाने की बड़ी स्टार रही है। सारा अली खान की दादी शर्मिला टैगोर है, जो कि अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री रही हैं, और दादा का नाम मंसूर अली खान है, जो कि अपने जमाने के मशहूर क्रिकेटर रहे हैं। सारा अली खान की बुआ है सोहा अली खान, जो कि एक अभिनेत्री है, और दूसरी बुआ है सबा अली खान, जो कि एक मशहूर फैशन डिजाइनर है। सारा के भाई का नाम है इब्राहिम अली खान, और सारा की सौतेली माँ है करीना कपूर खान। यह तो आप जानते ही हैं कि वे बड़ी अभिनेत्री हैं। सारा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बेसेंट मोंटेसरी स्कूल से की है। उनके बचपन का एक किस्सा है कि जब दाखिले के वक्त स्कूल की टीचर ने उनसे एक सवाल किया, तो उसके जवाब में सारा गाना गाने लगी थी। यह गाना था दमा दम मस्त कलंदर। यह बात सारा ने एक इंटरव्यू के दौरान खुद बताई है। और मैं गाने लगी दमा दम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर। और उस दिन माय मदर एंड फादर, आई थिंक वो लोग मतलब पागल हो गए थे। उनको लगा था कि अभी तो कुछ नहीं होने वाला है। सारा को बचपन से ही डांसिंग का शौक रहा है। आज भी सारा की डांसिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर आती रहती है। माँ अमृता बचपन से ही चाहती थी कि सारा बड़ी होकर एक्ट्रेस बने। सारा के बचपन में तूफान उस वक्त था जब शादी के 13 साल बाद सैफ और अमृता ने अलग होने का फैसला किया। दोनों ने तलाक का फैसला ले लिया था। अलग होने के बाद अमृता ने फैसला किया कि वह सारा को अपने पास रखेगी। वह सारा को सैफ के पास नहीं जाने देने पर अड़ गई थी। इस बारे में जब सारा से पूछा गया, तो उसने भी माँ के पास ही जाने की इच्छा जताई थी। दोस्तों, इसके बाद अमृता सिंह ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया था। वह पूरा ध्यान सारा की परवरिश पर देना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसी बीच सारा सैफ अली खान से नहीं मिलती थी। वे अपने पापा के हमेशा से ही करीब रही हैं। हम आपको बता दें कि जब सारा हेलो मैगजीन के कवर पेज पर आई थी, उस वक्त उसकी उम्र बस 16 साल थी। वे अपनी माँ के साथ इस फोटो में नजर आई थी। इसके बाद सारा को मॉडलिंग और एक्टिंग के कई ऑफर आए। अमृता ने उसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कहा। इस बारे में सैफ अली खान ने भी सारा को सलाह दी कि वह पहले अपनी पढ़ाई को पूरी कर ले, उसी के बाद मॉडलिंग और एक्टिंग को चुने। सारा ने कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से ग्रेजुएशन पूरा किया। हम आपको बता दें कि सारा बेहद ही मेहनती है। वह अपने लक्ष्य के पीछे बड़ी मेहनत से दौड़ती है। फिल्मों में आने से पहले सारा का वजन 95 किलो था, लेकिन सारा ने मेहनत कर काबू पाया। हम आपको एक और बात बता दें कि सारा पीसीओ नामक बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी में बहुत जल्द वजन बढ़ जाता है, इसलिए सारा डेली जिम में काफी वक्त बिताती है। सारा की पहली फिल्म केदारनाथ है। यह अभिषेक कपूर की फिल्म है। यह फिल्म 2013 में आई उत्तराखंड की त्रासदी पर बनी है। इस फिल्म में इस त्रासदी के दौरान दो दिलों की मोहब्बत को दिखाया गया है। इसके बाद सारा रोहित शेट्टी की फिल्म सिम्बा में नजर आई है। इसमें भी सारा की खूबसूरती देखते ही बनती थी। दोस्तों, चलते चलते हम आपको ये भी बता दें कि सारा अली खान और करीना कपूर में बहुत अच्छी दोस्ती है। सारा कई बार सार्वजनिक तौर पर कह चुकी है कि दोनों में अच्छी बनती है। सारा की अपने भाई बहनों के साथ अक्सर फोटो आती रहती है। तो दोस्तों, यह थी सारा अली खान की अब तक के जीवन की कहानी। आप बने रहे YRY18 लाइव के साथ।